हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू प्रिंसी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और गाइस, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, मैं घर आ चुकी हूँ। और घर पे आने के बाद अभी मैंने फ्रेश व्रेश हो लिया है और अभी मुझे कुक करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है गाइस। इतनी ज्यादा घर में, बंद घर में भी इतनी ज्यादा धूल मिट्टी हो रखी है ना, मतलब मुझे अभी पूरा हफ्ता लगने वाला है पूरा क्लीनिंग करने में, जिसका कि मैं प्रॉपर वीडियो आपके साथ बना के जरूर दिखाऊंगी कि मैं कैसे घर को क्लीन करती हूँ, कैसे बैक टू ऑर्गेनाइज करती हूँ। अभी बहुत चीजें फैली हुई हैं। सो गाइज, अभी लगी है बहुत जोरों की भूख, क्योंकि हमने दो दिन से ट्रेन में ढंग का खाना नहीं खाया है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने यहाँ पे फेवरेट रेस्टोरेंट में, जहाँ पे कुछ खाएंगे। सो चलिए चलते हैं। और उससे पहले मिलिए मेरी शानू से, जो कि अच्छे से बिल्कुल रेडी हो गई है। सो गाइज, चलिए चलते हैं। सो गाइज, हमारा खाना आ चुका है। हम डॉल्फिन रेस्टोरेंट में आए थे, यहाँ हमारे पास का फेवरेट रेस्टोरेंट है। तो हमने आज ऑर्डर किया है गोभी मंचूरियन, पनीर बटर मसाला, नान और सैलेड वो लेके आ रहे हैं। तो चलिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और सबसे पहले मैं खाना खाऊंगी और यहाँ पर शांडी को भी खिला रही हूँ। सो मिलती हूँ मैं खाना खाने के बाद। सो गाइज, ये क्लिप नेक्स्ट डे का है और मैं उस दिन खाना खा के आई और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए हम सो गए। नेक्स्ट डे शानवी का पेरेंट्स टीचर मीटिंग था और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं गाइज। और आप देख सकते हैं मैं बैठी हुई हूँ बिल्कुल आराम से शानवी के साथ और वेट कर रही हूँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग स्टार्ट होने का। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के एंड होने के बाद हम गए शानवी के फोटोज़ लेने और कुछ पेपर वर्क करने, जैसे कि आई कार्ड बनवाना था और जो भी चीज़ें थी शानवी की फ़ोटो लेनी थी, हम ये सब काम करने गए। और मैं वहीं स्टूडियो में बैठी हुई हूँ, आप देख सकते हैं, और वो प्रिंट निकाल के दे रहे हैं हमें। सो गाइज, मैं आ गई हूँ बाहर से और हम गए थे आज शानवी के स्कूल। आज मैं पहली बार गई थी, बीइंग अ पेरेंट, फर्स्ट टाइम मैंने पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड किया शानवी के स्कूल में, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा गाइज। एक मतलब ना, पेरेंट होने की एक खुशी महसूस हो रही थी। आज फर्स्ट टाइम मैं शानवी की क्लास टीचर से मिली उसका एडमिशन होने के बाद, और आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग था। जो भी गाइडलाइंस थे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, हमें वही बताए गए। आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ गाइस। और नेक्स्ट डे से शानवी का न्यू स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप आगे आने वाले व्लॉग में देखेंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ घर और हम गए थे ब्रेकफास्ट करके, और अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने। लंच मैं आज बहुत ही ज़्यादा सिंपल ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि अभी वैसे हमने सब्जी वगैरह थोड़ा बहुत तो लाए हैं, बट अभी मेरा उतना कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है। तो हमने सोचा कि आज सिंपल बिहारी खाना बनाएं। तो अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने और आपको दिखाऊंगी भी कि मैं लंच में क्या बना रही हूँ। तो चलिए पहले चलते हैं और लंच बनाते हैं। सो गाइज, दोपहर में आने के बाद मैंने आप सभी को बताया था कि मैं लंच बनाने जा रही हूँ। तो मैंने लंच पे आज बिल्कुल सिंपल खाना बनाया था, दाल चावल भुजिया, जो कि मैंने मेरे पहले ब्लॉग्स में भी आपने देखा होगा, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। अभी हो रहा है शाम का वक्त, लंच करने के बाद हम सब सो गए थे गाइज। दो दिन से सफर की ना थकान ही खत्म नहीं हो रही है, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना घर बिखरा पड़ा है, प्लस यहाँ आते ही शानवी के स्कूल का एडमिशन और ये सारा काम स्टार्ट हो गया है। सो गाइज, शानवी की क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि आप मेरे आने वाले ब्लॉग्स में देखेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं उसके लिए कुछ जरूरत की चीजें लेने, जो कि स्कूल में लगता है। तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ और मैं रेडी हूँ। रेडी क्या हूँ ना, मैं सुबह से यही आउटफिट में हूँ, तो मैं इसी में जा रही हूँ। और यहाँ पे मेरी शानवी है, जिसके लाइफ का एक न्यू चैप्टर बिगिन होने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं आ गई हूँ डीमार्ट में और मुझे शानवी के लिए, जैसे कि बेसिक स्टेशनरी आइटम, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, ये सब लेना था। तो मैं वहीं पे देख रही हूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे से लंच बॉक्स थे और पेंसिल बॉक्स, वाटर बॉटल, सभी चीज़ों का बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। तो मैं वही लेके आ रही हूँ और शानवी यहाँ पे बड़े बड़े लंच बॉक्स सेलेक्ट कर रही है, जो कि उसके एज के लिए सही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा हैवी थे और उसे ओपन करने में भी दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैंने वो लेके रख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे ये पिंक कलर का लंच बॉक्स बहुत पसंद आया, तो हम वही देख रहे हैं। उसके बाद गाइज, मुझे यहाँ पे मिल गया सूप पीने वाला स्पून, यानी सूप स्पून, तो मैं ये उठा रही हूँ। मुझे ये स्पून ना बहुत दिनों से चाहिए था, बट ये मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मिल रहा है तो तीन चार ले ही लेते हैं, वरना फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद हम आई गाइज, आप देख सकते हैं शानवी ट्रॉली में इंजॉय कर रही है और मैं बाकी चीज़ें देख रही हूँ। मुझे एक बोल भी लेना था, बेसिकली हम बेसिक आइटम्स ले रहे थे। उसके बाद मैंने लिए अपने लिए एक चप्पल, जो कि वेजेज स्टाइल में है, मैं घर पर भी पहन सकती हूँ और मैं बाहर भी पहन सकती हूँ। इसमें ऐसा है ना गाइज, मुझे कोई दूसरा पीस पसंद आया था बट उसका साइज ही नहीं था, और आप देख सकते हैं मैं कितनी शिद्दत के साथ उसे खोजने की कोशिश कर रही हूँ, बट मेरा पैर इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि मुझे अपनी साइज कभी नहीं मिलती गाइज। उसके बाद हम आ गए अग्रवाल स्वीट्स में और यहाँ पे मैंने खाए यम्मी यम्मी से गोल गप्पे, क्योंकि मेरा बड़ा ही मन था कि मैं कुछ चटपटा सा खाऊं,
और आप देख सकते हैं ये मेरे गोलगप्पे, मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। और ये खट्टी और मीठी पानी मिला के खाने में ना जो मुंह का स्वाद आता है ना, बहुत अच्छा। और आज सानवी को भी ना हमारी तरह गोलगप्पे खाने का शौक था। सो फ्रेंड्स, मैं शॉप से आ गई हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लाई हूँ। बेसिकली आज सानवी की शॉपिंग हुई है, पूरी स्कूल की शॉपिंग हुई है। तो लेट्स स्टार्ट, क्या क्या लिया है मैंने। तो सबसे पहले मैंने ये लिया है अप्सरा का पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और क्रियॉन्स का सेट, जो कि हम सानवी को कल देंगे। आप देख सकते हैं इसमें पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है और कलर्स है, जो बेसिक चीजें होती हैं। ये एक सेट लिया है हमने। नेक्स्ट हमने लिया है ये क्यूट सा मग। सानवी जब सुबह सुबह स्कूल जाएगी तो मे बी बनाना शेक या मिल्क ऐसा कुछ पी के जाएगी, घर पे भी वो मिल्क वगैरह पीती है, तो उसका मग टूट गया था तो हमने ये लिया है उसका मग। उसके बाद गाइज हमने लिया है क्यूट सा वाटर बॉटल। आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा वाटर बॉटल है और इजी टू ओपन है। आप देख सकते हैं इसको बस ऐसे हल्का सा पुश करना है और आप यहाँ से सिप कर सकते हो। ये है सानवी का वाटर बॉटल। देन लंच बॉक्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम है, और एक लिया है हमने पेंसिल बॉक्स। गाइज अभी सानवी को ऐसे यही पेंसिल बॉक्स पसंद आया है तो हमने ये वाला दिलाया है और ये काफी क्यूट लग रहा है। तो ये है सानवी का पेंसिल बॉक्स। और गाइज सानवी का स्कूल बैग उसके बर्थडे पे उसे गिफ्ट में मिला था, तो हमने स्कूल बैग नहीं लिया है। उसके पास न्यू स्कूल बैग रखा हुआ है तो हम स्कूल बैग नहीं लिए हैं। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज हिट द बेल आइकन सो डेट मेरे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजिली मिल सके। बाय बाय, सी यू एवरीवन।